दोस्तों गुड इवनिंग। अभी मैं गांव में हूँ, अपना घर जगह है। हम लोग यहाँ बाड़ी में अभी सीकेपी जाएंगे। अभी यहाँ से जो हम लोग का बाड़ी में जो सब्जी सब है वो सबको आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पर पेचकी बोलते हैं, ये जो अभी आदिवासी में हो में हम लोग सारू बोलते हैं। इधर सारू पूरा लगा तो नहीं हुआ, अपने से उगा हुआ है। एक बार हम लोग 2 साल पहले ई बाड़ी में लगाए तो देखिएगा उधर पूरा पेचकी भरा हुआ है, सारू भरा हुआ है। इधर पूरे चारों तरफ सारू भरा हुआ है। उसी का पत्ता अभी थोड़ करके लेके जा रहे हैं, ये थैला में भरे हैं। ये जो पत्ता अभी दिख रहा है ये है, इसका सब्जी हम लोग आज बनाएंगे। ये केमिकल रहित वाला ये सब्जी है, इसमें कभी केमिकल नहीं दिया गया है। इसमें जंगल से जो सड़ा गला पत्ता सब उतरता है, वो सड़ा गला पत्ता का जो खाद्य पदार्थ है वो चीज़ से इसमें हुआ है, जबकि ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। इसी तरह से ये आज हम लोग ये पेचकी का पत्ता का सब्जी बनाएंगे। ये देखिए पेचकी का पत्ता का सब्जी, इस तरह से दोस्तों इधर अभी भर लिए हैं। एक झोला देखिएगा, यदि एक झोला पेचकी का सब्जी हो गया है। यदि यहाँ पर पूरा पेचकी भरा हुआ है, पूरा अभी शाम हो रहा है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। ये देखिए पूरा पेचकी भरा हुआ है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने गंतव्य स्थान की तरफ। इस तरह से यहाँ पर हम लोग अभी पेचकी का साग को पहले धो लेते हैं, और धोने के बाद इसको बारीक छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में हम लोग काट लेते हैं, ताकि साग का छोटा छोटा पीस हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से हम लोग देखिए अभी साग काट रहे हैं, बढ़िया से सरिया करके पकड़ करके साग काट रहे हैं। इस तरह से बारीक छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं। उसके बाद अभी इसको कढ़ाई में पकाएंगे। ये अभी गब्रियल अभी कैमरा कर रहे हैं, जो कैमरा संभाल रहे हैं, और मैं साग काट रहा हूँ। इस तरह से साग को पहले बारीक काट लिया जाना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से पक सके। दोस्तों अभी साग कटा गया है। अभी इसको कढ़ाई में पेचकी का डंडी पहले ढालेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा कड़ा है, ताकि अच्छी तरह से पके। बाद में साग डालेंगे और साग के साथ में एक ही समय में अच्छी तरह से पक सके। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें।